शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? आयुष ये तुम क्या कह रहे हो? सफाई देने की जरूरत नहीं है, कोई और तुम्हें छुए मुझे अच्छा नहीं लगता, समझी? जब दे मैं आई बाबा की प्रेम कहानी, ये क्या है? क्यों वकील साहब, अच्छा है ना? सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा तारीफ करो। तुम्हारी आई बाबा की लव स्टोरी है? आई बाबा की लव मैरिज हुई थी? हाँ। क्या बात है, आई बाबा तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। सो स्वीट। चलो ये सब बातें बाद में, पहले तुम अपना रोल अच्छे समझ लो। तुम मौसी का रोल प्ले करोगी और मैं बनूंगा काका। तुम बाबा बनोगे? पर मुझे लगता है कि बाबा का कैरेक्टर दक्ष को ज्यादा सूट होगा। अच्छा, ये एक्टिंग करेगा? एक्टिंग कहाँ, आई ही तो कहती है ना दक्ष बिल्कुल अपने बाबा जैसा दिखता है। मौसी कहती तो ठीक ही कहती होगी, लेकिन दक्ष के बाबा का रोल मैं ही करूंगा। तुम कोई भी काम बिना बहस के कर सकते हो क्या? हाँ, मैं अपनी आई का रोल आकृति को देना चाहता हूँ, लेकिन आकृति है कहाँ? कहाँ है वो, ऑफिस में बिजी है क्या? उसका फोन भी स्विच ऑफ है। भैया उस गाड़ी के सामने रोकना। आयुष गाड़ी रोको, मेरी बात तो सुना आयुष। बस एक स्तंभा और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, दोनों टकरा गए। विवाह का लहराता दुपट्टा विद्याधर के चेहरे से लिपट जाता है। दुपट्टे से आ रही भीनी भीनी खुशबू के नशे में चूर, और जैसे ही उसने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया उसके होश उड़ गए। उसे पहली ही नजर में प्यार हो गया हमेशा के लिए। दक्ष क्या कर रहा है, दुपट्टा हटा, नैना को देख। तुम यहां हो, मैं तुम्हारे कमरे में गई थी चाय लेके। आई ने कहा कि तुम नाश्ते के बाद चाय पीते हो। झूठ कहा, चाय नहीं कॉफी पीता है। तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये बकवास कर रहा है। बकवास नहीं कर रहा हूं यार, मजाक कर रहा हूं। लक्ष चाय पी ना, तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ, ये वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं। ये बुक्स मुझे दे दे। तो चलो दक्ष, मधुरा को बता देना। मधुरा, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो मुझे नहीं पता कि ये बात कहाँ से निकली और कहाँ पहुँच गई, लेकिन लेकिन सच यही है कि मैं किसी बिस्किट नहीं। क्यों नहीं, ये तो तुम्हारे फेवरेट बिस्किट है ना। हाँ तो लो ना। नैना देखो ना कैसे हैं ये गहने, अच्छे हैं ना, आकृति के ऊपर अच्छे लगेंगे ना। सच कहूं तो ये गहने मैंने आकृति की शादी के लिए बनवाए थे। आकृति है कहाँ, सुबह से दिखाई नहीं दी, किसी काम से बाहर भेजा है क्या उसे? वो अब तक घर नहीं आई। काम के बहाने दिन भर सड़क छानती रहती है। आहो। चुप कर। जो लड़की मुझसे पूछे बिना लॉन में एक कदम बाहर नहीं रखती थी, अब वो पूरा दिन घर से बाहर रहती है, और वो भी बिना बताए। आज मुझे ये बात कहनी ही होगी। नैना दक्ष प्लीज मुझे मेरी बात पूरी करने दो।